दोस्तों, उम्मीद, धैर्य और कर्म की सवारी जीवन के असंभव लक्ष्य को भी एक दिन संभव कर देती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर। चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ BA 6th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट यूनिट 2 से A.K. रामानुजन और इनकी पोयम एंजाइटी के MCQs क्वेश्चंस का पार्ट 3। दोस्तों, इसके पहले मैं A.K. रामानुजन की बायोग्राफी और MCQs क्वेश्चंस के 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। जिस किसी ने ये वीडियोज न देखे हों वह BA 6th सेमेस्टर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोज को देख सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द MCQs क्वेश्चंस पार्ट 3। और पार्ट 3 में जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हु वॉज कॉल्ड इंडो एंग्लियन हार्बिंगर्स ऑफ लिटरेरी मॉडर्निज्म। तो किसने कहा इंडो एंग्लियन हार्बिंगर्स ऑफ लिटरेरी मॉडर्निज्म? तो ये जो कथन था वो था A.K. रामानुजन का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड रामानुजन विद डिग्रीज इन लिंग्विस्टिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड रामानुजन विद डिग्री इन लिंग्विस्टिक। किस यूनिवर्सिटी ने रामानुजन को लिंग्विस्टिक डिग्री में अवॉर्ड दिया था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियाना यूनिवर्सिटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, A.K. श्रीनिवासन इज अ राइटर एंड मैथमेटिशियन। जो A.K. श्रीनिवासन थे वो एक राइटर और मैथमेटिशियन थे, और इनका A.K. रामानुजन से क्या संबंध था ये आपको बताना है। तो दोस्तों, A.K. श्रीनिवासन जो थे वो रामानुजन के भाई थे, यानी ब्रदर ऑफ रामानुजन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और क्वेश्चन नंबर 4 है, द सेंट्रल थीम ऑफ A.K. रामानुजन्स पोइट्री इज। A.K. रामानुजन की पोइट्री की सेंट्रल थीम क्या होती है? तो A.K. रामानुजन की पोइट्री की जो सेंट्रल थीम होती है वो फैमिली होती है, यानी इनकी जो पोइट्री होती हैं वो फैमिली पर आधारित होती हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, A.K. रामानुजन मैरिड टू मॉली डैनियल्स। यानी A.K. रामानुजन की शादी मॉली डैनियल्स के साथ हुई थी। हु इज क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन है बाय रिलीजन, धर्म से क्रिश्चियन थी। ये जो मॉली डैनियल्स हैं वो धर्म से क्रिश्चियन थी। एंड ए, और साथ साथ क्या थी? तो ये क्वेश्चन में आपको बताना है कि नॉवलिस्ट थी, पोएट थी, बिजनेस वोमेन थी, या हाउसवाइफ थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नॉवलिस्ट थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, नॉट ब्रांचलेस एज अ फेयर ट्री विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन ऑफ पोएम एंजाइटी। दोस्तों, ये जो लाइन्स हैं, नॉट ब्रांचलेस एज अ फेयर ट्री, ये रामानुजन की जो पोएम है एंजाइटी उसकी लाइन है, और इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इस लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो है सिमली। ऑप्शन ए, क्योंकि आपको पता है सिमली में यदि कहीं एस, लाइक या सो ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं तो वो फिगर ऑफ स्पीच सिमली होता है। तो इस लाइन में देखिए, नॉट ब्रांचलेस एज, यहाँ पर एज मिल गया इसलिए यहाँ पर सिमली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 7 है, एंड द एयर is a flock of invisible pigeons. Which figure of speech is used in the poem एंजाइटी? रामानुजन की पोयम एंजाइटी की ये लाइन है, एंड द एयर इज अ फ्लॉक ऑफ इनविजिबल पिजन। इसमें आपको बताना है किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया। तो दोस्तों, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो मेटाफर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर। फिर से वही लाइन रिपीट है, एंड द एयर इज अ फ्लॉक ऑफ इनविजिबल पिजन्स। वॉट इनविजिबल पिजन्स सिम्बोलाइज इन द पोयम एंजाइटी? इस पोयम एंजाइटी में ये जो इनविजिबल पिजन शब्द का यूज हुआ है ये क्या सिम्बोलाइज करता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनरिकॉग्नाइज्ड होप। यानी इनविजिबल पिजन जो सिम्बलाइज करता है वो अनरिकॉग्नाइज्ड होप। अनरिकॉग्नाइज्ड मतलब जिसको रिकॉग्नाइज ना किया जा सके, जिसको पहचाना ना जा सके। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन हिज पोयम ए के रामानुजन यूज्ड टू फिगर्स ऑफ स्पीच नेमली। इस पोयम में यानी एंजाइटी में ए के रामानुजन ने दो फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया और उन दोनों फिगर ऑफ स्पीच का आपको नाम बताना है। तो ये बायोग्राफी वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि सिमली और मेटाफर का यूज हुआ है पोयम एंजाइटी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। इन द पोयम एंजाइटी यानी इस पोयम एंजाइटी में फियर ट्री इज द सिंबल एंड सोर्स ऑफ। ये जो फियर ट्री है ये सिंबल और सोर्स है किसका, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है फियर। ये जो फियर ट्री है ये सिंबल और सोर्स है। फियर यानी डर या भय का सोर्स है या सिंबल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। दिस लाइन विद अ नॉट एट द टॉप रेफर्स टू विच पोयम ऑफ रामानुजन? रामानुजन की किस पोयम में ये लाइन्स आई हैं ये आपको बताना है। तो विद अ नॉट एट द टॉप, ये जो लाइन्स हैं आपकी एंजाइटी पोयम से ली गई हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइडेंटिफाई द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोयम एंजाइटी। एंजाइटी पोयम की फर्स्ट लाइन को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि इस पोयम की शुरुआत की जो लाइन है वो क्या थी। तो दोस्तों, इस पोयम की जो स्टार्टिंग की लाइन है, ये पोयम जिस लाइन से स्टार्ट होती है वो है नॉट ब्रांचलेस एज अ फियर ट्री। ध्यान रखिएगा, एंजाइटी पोयम इस लाइन से शुरू होती है, नॉट ब्रांचलेस एज द फियर ट्री। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों, ये था पार्ट 3। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना कर सकें। दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।